आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे वेंकैया नायडू। शपथ से पहले राजघाट जाकर बापू को करेंगे नमन। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे मौजूद। दिल्ली में सोनिया गांधी ने 18 विपक्षी दलों की नेताओं की बैठक बुलाई है। शरद यादव और नीतीश कुमार को भी सोनिया गांधी ने भेजा है न्योता। शाम 4:30 बजे होगी बैठक। भारतीय सेना ने भारत और चीन के गतिरोध वाले इलाके डोकलाम में आसपास के गांवों को खाली कराने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक नाथनाग गांव में रह रहे 100 गांव वालों को तुरंत छोड़ने के लिए कहा गया है। बीजेपी संसद दल की बैठक में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों पर बरसे मोदी। कहा, जुम्मन में आए करें, मैं 2019 में देखूंगा। देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम दिन। कार्यकाल के अंतिम दिन अहमद अंसारी ने एक बयान देकर देश में नया अलाप छेड़ दिया है। उन्होंने देश में बढ़ती गौरक्षकों की मारपीट की घटनाओं और कुछ मंत्रियों के अल्पसंख्यकों के बयानों के बाद कहा है कि देश में मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा और घबराहट का माहौल है। आरजेडी नेता की हत्या पर बोले लालू प्रसाद यादव, इस हत्या में बड़े बड़े लोगों का हाथ है और साजिश भी। पटना के दानापुर में वार्ड पार्षद और राजद नेता केदार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि शरद यादव को 19 तारीख तक संयम बरतना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। त्यागी ने शरद यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच सांठगांठ के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि शरद यादव जिस राह पर चल रहे हैं उस अंधेरी राह में उन्हें लालटेन का साथ मिला है। गाजियाबाद के कोटगांव फाटक के पास बिहार के बक्सर में कार्यरत डीएम मुकेश पांडे ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। मुकेश पांडे का शव गाजियाबाद स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर कोटगांव के पास रेलवे ट्रैक से कटा हुआ मिला। गाजियाबाद के एसएसपी एचएन सिंह ने इसे खुदकुशी का मामला बताते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलित बस्ती में सामूहिक भोजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की और उनके साथ ही सीएम योगी ने बयान देते हुए कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों का खात्मा होगा और जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी। महाराजगंज में सीएम योगी ने दिखाए अपने तल्ख तेवर। लापरवाही पर एसडीएम समेत दो थानेदारों पर गिरी गाल। एसडीएम नूतनवा मुख्यालय से अटैच और 2 SO सस्पेंड। 4 डॉक्टरों के खिलाफ भी जांच के आदेश। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और लोगों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान कई फरियादियों ने न्याय न मिलने पर भी आपत्ति जाहिर की। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जीडी गोयनका स्कूल में अरमान की मौत के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। डिप्टी सीएम ने केस में आयु को बदलने के भी आदेश दिए। तो वहीं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत में मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास होगा, हिंदू मुस्लिम एक है। बरेली में बाइक सवार हमलावरों ने सपा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सपा समर्थक बारादरी थाने में जुटने लगे और आरोपी हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जेपी से घर खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ी। नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल ने जेपी बिल्डर को घोषित किया दिवालिया। जेपी बिल्डर पर 8,365 करोड़ का कर्ज। 32,000 लोग होंगे प्रभावित। मेरठ में बाइक सवार आधा दर्जन हमलावरों ने कपड़ा कारोबारी साजिद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जालौन में जननी सुरक्षा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराने के लिए महिलाओं से 500 से 5,000 तक वसूले जाते हैं। दरअसल वसूली डॉक्टर नहीं बल्कि वार्ड बॉय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और साथ ही साथ आशा बहुएं करती हैं। उसके बाद प्रसव करने के बाद अगर परिवार वाले मुमांगी रकम देते हैं तो उनका प्रसव और जच्चा बच्चा दोनों की अच्छी देखभाल की जाती है। अगर पैसे नहीं दिए गए तो प्रसव के दौरान लापरवाही होती है, जिससे कभी कभी लोगों को अपने बच्चों की जान से हाथ धोना पड़ता है। कासगंज अमापुर थाना क्षेत्र के रानामऊ गांव में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार दो महिलाओं को रौंद दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर महोबा के पास एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल झांसी बांदा पैसेंजर ट्रेन के ऊपर यात्री डांस करते हुए नजर आए।